किसान साथियों, हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में देखिए चना के खेत में हार्वेस्टर चल रहा है। यहाँ से इस प्रकार से एक ट्रैक्टर भर चुका है, ये वापस जा रहा है, दूसरा ट्रैक्टर आने वाला है। और ये देखिए मिनी हार्वेस्टर पहली बार चना के खेत में। तो हम किसान भाइयों नमस्कार, हमारे यहाँ पर JG 36 और पूसा मानव चना सीमित मात्रा में बचा हुआ। पिछले साल जो हमारे किसान भाइयों ने यहाँ पर बोया था उसकी उपज काफ़ी अच्छी हुई थी, लगभग 13-14 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पर निकला था जैसे खेत की बोनी हो पाई थी। तो जिन किसान भाइयों को चाहिए हो तो शीघ्र संपर्क करें, कमेंट करके बताएँ कि जिनको भी पूसा मानव या फिर JG 36 चना चाहिए हो, क्योंकि अब ये सीमित मात्रा में हमारे पास बचा हुआ है। ये हार्वेस्टर का बीज है और बीज हालांकि इससे काफ़ी अच्छा हम लोगों ने बह के भी देख लिया है, अच्छा जम रहा है। और कोई चने में आप कहीं भी चला दो कोई समस्या नहीं जाती है। तो जिन किसान भाइयों को इसका बीज चाहिए हो शीघ्र संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, JG 36 और ये पूसा मानव चना जो वैरायटी है ये कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली द्वारा निर्मित किया गया है, जो लगभग एवरेज उपज इसकी 15 क्विंटल प्रति एकड़ निकाली जा सकती है यदि आप उसको अच्छे से लगा पाओ। दूसरा किसान भाइयों, इसकी जो बोनी की जाती है वो सीमित बीज के साथ अर्थात 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई की जाती है, तब इसका आप सही उत्पादन ले सकते हैं। यदि आप इसको अधिक मात्रा में, वो जैसे ये देख पा रहे हो हमारे पीछे इसकी इन्होंने अधिक मात्रा में इसकी बुआई की थी, इसलिए ये नीचे भी गिर गया है और साथ ही इसकी उपज लगभग 10-12 क्विंटल प्रति एकड़ ही निकल पा रही है। तो सभी किसान भाइयों को कुछ जो जानकारी होना चाहिए, एक तो जब आप इसकी बोनी करते हो तो ज़रूरी है कि इसकी जो बखन्नी है काफ़ी गहरी की जाती है, ताकि क्योंकि इसकी जड़ नीचे जाती है और जब नीचे जाएगी तभी जाके इसमें उग्रा रोग नहीं लगता, क्योंकि यह उकटा रोधी फसल है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके जो खेत है इसकी जो जुताई है वो गहरी होना चाहिए। तो इन किसान भाइयों, एक और अन्य सावधानी ये है कि जब भी आप इस चना की बोनी करें तो बीज उपचार जरूर करें। वैसे मसूर और चना कोई भी जिन्स आप बोते हैं तो उसकी आप पहले बीज उपचार कर लें, ताकि उसमें फफूंद जनित रोग जल्दी से जल्दी ना लगें, जब तक वो पौधा स्वयं उसमें इतनी अनुकूल क्षमता ना आ जाए कि वो खुद अच्छी पैदा लायक हो जाए। किसान भाइयों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो चना काटा जा रहा है ये है JG 36। ये काफ़ी बढ़िया वैरायटी वाला ये चना है जो यहाँ पर अभी इसकी इस हार्वेस्टर से थ्रेसिंग चल रही है। किसान साथियों, ये लगभग 10 एकड़ का खेत होगा और उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा चना निकल रहा है। अभी 3-4 ट्रॉली भरकर पैक होकर घर चला गया और अभी भी इसमें हार्वेस्टर चल रहा है, अभी आधे से ज़्यादा ही रह गया है। तो सबसे बढ़िया JG 36 जो हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में ये चना काफ़ी ज़्यादा विकसित हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा पकड़ रहा है खेत के लिए और काफ़ी अच्छी इसकी पैदावार हो रही है। तो जिन किसान भाइयों को भी ये चना चाहिए तो कमेंट करें, उनको हम चना जरूर उपलब्ध कराएँगे। और इसी प्रकार के खेती बाड़ी की वीडियो देखने के लिए हमारे करतार फार्मिंग चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो हमेशा मिलते रहे। बेल आइकन को भी आप ऑन कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो हमेशा मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय विश्वास।